15 अगस्त जिवें जिवें नेड़े आउंदी जा रही है, तिरंगा मुहिम नूं लैके कोई ना कोई खबर अजिही सामने आउंदी है। सचमुच इंसान सोचण लई मजबूर हो जांदा है कि इंसान दे खाण लई रोटी ज़्यादा जरूरी है जां फिर तिरंगा। सब तो वड्डी गल तां इह है कि पीलीभीत तो बीजेपी दे ही संसद मैंबर वरुण गांधी ने बीजेपी की इस मुहिम ते सवाल चुके ने। उन्हें दावा किया कि राशन कार्ड धारकों को कौमी झंडा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऑप्शन दी जा रही है जदों ये राशन से अपना जो राशन कार्ड के राही अपना राशन लैन आते हैं डिपुआ से, तो इन्हों कहा जाता है कि 20 रुपये का तिरंगा खरीदो या फिर तिरंगा तो जबरदस्ती दिता ही दिता जाऊगा, जो 20 रुपये नहीं है तो वो राशन चो कट लवेंगे। वरुण गांधी ने वीडियो ट्वीट की है, नाल लिखा कि गरीब के मुँह चो बुरकी खो के तिरंगे की कीमत वसूलनी शर्मनाक है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी बोले ने कि बीजेपी राष्ट्रवाद नूं वेच रही है, बीजेपी ने गरीब गुरबे के स्वैमान नूं सट मारी है। उन्होंने कहा कि तिरंगा साडा गौरव है, यह हरेक भारतीय के दिल विच वसदा है, इसनूं कदे वेचिया नहीं जा सकता। राशन देण मौके गरीब तो तिरंगे लई 20 रुपये मंगने शर्मनाक है। पंजाब तो भी खबरां सामने आईयां ने कि अध्यापकां नूं लिखती तां नहीं पर जुबानी तिरंगा खरीदण ते वेचण दे हुक्म दित्ते ने। 5 दिन पहला ही धूरी दे विच मुख मंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया सी कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों तो पढ़ाउण तो इलावा होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा, पर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों नूं कथित तौर ते तिरंगा खरीदण ते वेचण दे कथित जुबानी हुक्म जारी किए जा रहे हैं। अध्यापक जथेबंदियों के आगुआ ने कहा कि सूबा सरकार अध्यापकों सेल्समैन बना रही है, जबकि सिक्ख्या विभाग के अधिकारियों ने दोष नकारदिया कहा कि किसी नूं जबरी झंडे वेचण लई नहीं कहा गया। संगरूर के जिला सिक्ख्या अधिकारियों ने ब्लाक नोडल अफसर के कोल तिरंगे भेज के हरेक स्कूल मुखी नूं 50 जां इस तों वध झंडे वेचण दे जुबानी हुक्म जारी किए ने। एक खबर सानूं मिली है, एक तिरंगे की कीमत 25 रुपये तय की गई है। इस तों इलावा स्कूल मुखियों नूं भी विद्यार्थियों ते मापियां नूं झंडे वेचण संबंधी कथित जुबानी हुक्म दिए गए ने। सूत्रों मुताबिक नोडल अफसर के वलों बाकायदा स्कूल मुखियों तो एक परफॉर्मे से लिख के लिया जा रहा है कि उसने किन्ने झंडे वसूल किए किन्ने अगे वेचे ताकि बनती अदायगी ले जा सके। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सूबा मीत प्रधान रघुवीर सिंह भवानीगढ़ समेत होरां ने कहा है कि जिस मुल्क की वड्डी आबादी 20 रुपये रोजाना तो गुजारा करती होवे उन्हां गरीब बच्चों 25 रुपये का कौमी तिरंगा खरीदने लई मजबूर करना एक आर्थिक अपराध वांगू है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के जमहूरी हकों की उलंघना है, इन्हों हुक्मों तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि देश प्यार ते कुर्बानी की भावना किसी भी इंसान से जबरी नहीं थोपी जा सकती। अध्यापक जथेबंदियों ने डीसी ते उपमंडल मजिस्ट्रेट संगरूर नूं मंग पत्र सौंपदे ही फैसला तुरंत वापस लैण ते झंडा वेचण की थां मुफ्त वंडण की मांग की। उधर डीईओ कुलतरनजीत सिंह ने स्कूल अध्यापकों नूं जबरी झंडे वेचण के दोषों नूं नकार ही दिता, कहिंदे स्कूलों नूं सिर्फ एक सेल पॉइंट बनाया गया जिथों कोई भी अपनी मर्जी नाल झंडा खरीद सकदा है। सो इत्थे सब तो वड्डा सवाल तो यही है कि जे सरकार चाहती है तो सरकार चाहती है ना, लोग तो नहीं सारे चाहते कि वह झंडा खरीदन, सरकार चाहती है तो लोगों को मुफ्त वंड दे, क्यों लोगों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि यह चीज़ खरीदो ही खरीदो। हर किसी के मन के सतिकार हैगा आ, जिहड़े लोग इस मुल्क दे विच रहिंदे ने उन्हां दे मनां दे विच मुल्क प्रति पूरा प्यार सतिकार है, सरकारां प्रति होवे जां ना होवे, ते इस तरह जबरदस्ती जिहड़े गरीब दे कोल खाण नूं पैसे नहीं हुंदे, रोटी खाण नूं पैसे नहीं हुंदे, उन्हां नूं तुसीं कही जा रहे हो 20 जां 25 रुपये का झंडा खरीदो, ये कित्थों दी देश भगती है।